नमस्कार, मैं मोहित राज हूँ दिल्ली से। आज मैं रुद्र भैरव साधना आरंभ करने जा रहा हूँ। रुद्र भैरव साधना जो मेरे गुरु जी ने यूट्यूब पर डाली थी आज से 2-2.5 महीने पहले, वो साधना मैंने लिख पाई थी। तो वो साधना में ले भी चुका था, किसी कारणवश वो साधना में कर नहीं पाया था, कोई ना कोई काम अटक जाता था, उस वजह से मैं साधना को कर नहीं पाया था। तो आज वो साधना मैं 1 जून 6 महीना 2024 से करने जा रहा हूँ। मेरी अभी 20 में गुरु जी से पहले ही बात हुई थी, ये साधना मेरे को 18 मई को चालू करनी थी। तो मैं वो भी साधना, मेरा संकल्प टूट गया था, बैठा था मैं, मेरा संकल्प टूट गया था, 2 दिन बैठा था, तो वो साधना में कर नहीं पाया था, टूट गया था मेरा संकल्प। तो गुरु जी का मेरे को फ़ोन भी आया था, मैंने कहा गुरु जी हाँ साधना तो चल रही है, लेकिन उसी जिस दिन फ़ोन आया था दोपहर में, उस दिन मेरी साधना चली थी। रात को मेरा संकल्प टूट गया था, पेट वेट ख़राब हो गया था, गर्मी बहुत फट गई दिल्ली में, तो भाई इस वजह से मेरे पेट ख़राब हो गया था और इतना ख़राब हो गया था मेरे को उठना पड़ा। तो आज मैं ये रुद्र भैरव साधना आरंभ कर रहा हूँ। अभी मैं 11 दिन की साधना करूँगा, 11 माला रोज करूँगा, रूरू समय पर करूँगा, 8:22 से लेके 10:22 तक ये रूरू रात्रि काल का समय होता है जिसमें रुद्र भैरव की साधना होती है। तो पहले जो मंत्र दिया था मेरे गुरु जी ने दिया था रुद्र भैरव जी का, ओम भरम भरम भुरंग रूरु भैरवाई नमः। एक बार और बोलूँ, ओम भरम भरम भुरंग रूरु भैरवाई नमः। तो मेरे गुरु जी से जब बात हुई थी तो गुरु जी ने बोला था कि मैं तुम्हारे को प्राचीन काल के मंत्र निकाल कर देता हूँ, ये तो मंत्र बहुत छोटा है, तुम्हारे को मंत्र निकाल कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा देता हूँ। तो अब जो मंत्र दिया है वो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः भगवते रुद्राय अगच्छ प्रवेशाय सर्वशत्रु नाशाय धनु धनु पर मंत्रान अकर्षय अकर्ष स्वाहा। एक बार और बोल रहा हूँ, ओम नमः भगवते रुद्राय अगच्छ प्रवेशाय सर्वशत्रु नाशाय धनु धनु पर मंत्रान अकर्षय अकर्ष स्वाहा। अभी भी देख के पढ़ रहा हूँ, अभी जब एक माला देव देख के पढ़ूंगा फिर मेरे को याद हो जाएगा। मेरे संग ऐसे ही होता है, चाहे आप छोटा मंत्र गुरु जी से ले लूँ या बड़ा मंत्र ले लूँ, एक बार देख के पढ़ता हूँ फिर दूसरी माला तैर तैर चलती है मेरी, फिर मेरे को याद हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी गुरु जी ने अभी एक अपने यूट्यूब पे एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम बोल गया, शायद रवि शर्मा है ऐसी कुछ है, उन्हें वो गुरु जी के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने गुरु जी को बिना दीक्षा लिए कर्ण प्रशासनिक साधना कर ली। अब उन्होंने कर्ण प्रशासनिक साधना करके ली, 4 दिन करे, 4 दिन में उनको उनके कान बजने लग गए, कानों में उनके मतलब खटखट की आवाज़ होने लग गई। तो ऐसा ही होता है, बिना गुरु के साधना आप नहीं कर सकते। आप कर्ण प्रशासनिक साधना को क्या समझ रहे हो, कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। कर्ण प्रशासनिक साधना सबसे पहली बात तो यह, ग्रस्त आदमी नहीं कर सकता, बिल्कुल सच्चाई है। कर्ण प्रशासनिक साधना वही कर सकता है जो कुंवारा होगा, वो जिससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा, कर्ण प्रशासनिक साधना वही कर सकता है। कर्ण प्रशासनिक साधना में एक तो कर्ण प्रशासनिक देवी कभी सामने नहीं आती, आएंगी वो जब आएंगी आप गुरु के मार्गदर्शन से, बिल्कुल जब आपके गुरु आपके पीछे बैठे हैं, बिल्कुल आपको चप्पा चप्पे में बता रहे, ऐसे हमारे गुरु जी बिल्कुल बाल की खाल बताते हैं, बिल्कुल जो भी साधना में कर ली बिल्कुल बाल की खाल के बेटा ऐसे करो वैसे करो। इस साधना में मेरे को कम से कम 1 घंटे मेरी बात हुई है, 1 घंटे में इस साधना में करण में आए, विनियोग आह्वान मुद्राएँ 24 तरीके की मुद्राएँ होती हैं। तो आपके कुल में कौन सी मुद्रा लगती है, मेरे कुल में जो मुद्रा लगती है मेरे मालूम है, मेरे आह्वान एक प्रकार का होता है मुद्रा। तो बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल बाल की खाल, बिल्कुल इतने अच्छे हैं हमारे गुरुदेव, ना 1 रुपये की ललसा कुछ भी नहीं, बाल की खाल बेटा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, वैसे करना है, फिर जाके साधना में बैठना आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आज के टाइम में लोगों को क्या चाहिए, एक तो कल्प चाशनी माई की साधना चाहिए, दूसरी साधना है सट्टा मटका साधना, कि सट्टा साधना कर लूँ और रातों रात अमीर हो जाऊँ, नंबर तो आ जाएंगे। अरे भैया सट्टा साधना होती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती, होती है, सफल भी होती है, ऐसी बात नहीं। मेरे पे है एक सट्टा साधना, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की साधना है मेरे पे, जिसमें इनकी दुहाइयाँ लगी हुई हैं, वो मेरे को साधना किसी ने दी थी, मैंने खाली उसका मंत्र सिर्फ एक एक माला 2 दिन पढ़ा था और मेरा नंबर देखने चालू हो गए थे, लेकिन मैं उस चक्कर में नहीं समझ पढ़ा लिया। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ लेकिन नहीं। अरे जो मेरे पास मेरे
गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी अच्छी साधनाएँ, दो साधना मैं कर चुका हूँ, चीची पिछासी की साधना कर चुका हूँ, पुत्र जिव्या माई की साधना कर चुका हूँ, ये भी तीनों काल का ध्यान देती हूँ। तो जब मैं विद्या जिव्या माई की साधना कर रहा था, तो चीची पिछासी माई की साधना कर रहा था, तब मेरे भी कान भारी हो गए थे, ये सच्चाई है, मेरे भी कान भारी हो गए थे। तब मैं जब जागते अगले दिन बैठा था, तो मैंने अपने कानों से उतार के मैंने कहा था, माँ मेरे हृदय के ऊपर और मेरे हृदय से बता। तो प्रत्येक दर्शन थे मेरे को नहीं हुए थे, अब आपने जैसे कि आप मेरे से पूछोगे कोई भी सवाल पूछोगे तो मैं तुरंत आपका जवाब नहीं दे पाऊँगा, प्रश्न पत्थर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन यह बाद में मेरा हृदय बता देता कि किस वजह से आया था, क्या पूछने आया था और क्या पूछने नहीं आया था। मैं सब कुछ बता देता हूँ, ये गुरु जी जानते हैं और मैं जानता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ उससे। तो अच्छी अच्छी साधना करिए और बिना गुरु के कोई भी साधना मत करिए, बिना गुरु के साधना करना केवल विनाश है, विनाश में कुछ भी नहीं है। अच्छे गुरु के मार्गदर्शन से साधना करो, अच्छी अच्छी साधना ही करो, बहुत साधना है, बाबा भैरव भक्त की इतनी साधना है, माँ कालका की इतनी साधना है और बहुत साधना है। आपको हमारी उम्र बीत जाएगी, तंत्र के रूप का भी ख़त्म नहीं होगा, तंत्र का भी ख़त्म नहीं होगा, हमारी उम्र हमारी पीढ़ी पर पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी लेकिन तंत्र ख़त्म नहीं होगा। तो आप लोग मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं शादी में सफल हूँ, अभी 11 दिन की कर रहा हूँ, फिर दूसरा शरण जज कर लूँगा, फिर तीसरा भी कर लूँगा, पहले 11 दिन में देखा हूँ क्या अनुभव हो रहा। तो और गुरु जी के इस टाइम व्यू भी बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग इतना अगर गुरु जी से प्यार करते हो तो गुरु जी को व्यू भी बढ़ाओ और सब्सक्राइब भी बढ़ाओ और शेयर भी करो, ताकि गुरु जी का वो तो बेचारे बुजुर्ग हैं, उनके वो तो खुद ही बेचारे, देखो रिचार्ज में ही पैसे लगते हैं, नेट भी खर्च होता है उनका, सिर्फ उनको क्या है, उनको कोई नुकसान नहीं है किसी चीज़ की, बस उनका थोड़ा हृदय चौड़ा हो जाता कि भाई मेरे व्यू इतने बढ़ गए और मेरे शिष्य नाम कमा रहे हैं, उनको सिर्फ ये नाम चाहिए बस, और कोई नुकसान नहीं है। तो अब मेरे को साधना का मेरा टाइम हो रहा है, क्योंकि रूम समझ के ये साधना होती है। अब जो मंत्र है वो मेरे गुरु जी ने मुझे दूसरा मंत्र दिया है, वो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुद्राय अगच्छ प्रवेशाय सर्व शत्रु नाशाय धनु धनु पर मंत्रान आकर्षाय कर्षय स्वाहा। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते रुद्राय अगच्छ प्रवेशाय सर्व शत्रु नाशाय धनु धनु पर मंत्रान आकर्ष आकर्ष स्वाहा। ये रुद्र भैरव जी का मंत्र है जो मेरे गुरु जी ने मेरे को दिया है, मैं ये साधना 11 दिन की करने जा रहा हूँ, 11 दिन का मैंने संकल्प लिया है, 11 माला 11 दिन करूँगा, 12वें दिन हवन करूँगा। मैं अपने गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जय माता दी, जय श्री महाकाल। इस साधना में सफल हूँ मैं अपने गुरु जी के आशीर्वाद से, हे मेरे भैरव बाबा मेरी हर मनोकामना पूरी करें। ये ओम भरम भरम हुरंग रुरु भैरवाय नमः, ये मंत्र जो मेरे गुरु जी ने साधना पहले दी थी।